बस्तर में भी विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बस्तर पुलिस ने आज पुलिस लाइन में तमाम शस्त्रों और पुलिस वाहनों की विधि विधान से पूजा अर्चना की। हथियारों की पूजा कर बुराई व अच्छाई का प्रतीक मानते हुए AK-47 से 70 राउंड गोलियां चलाकर रखियां कुमरहा की बलि भी चढ़ाई गई। इस दौरान बस्तर पुलिस के सभी आला अधिकारी के साथ ही जवान भी पुलिस लाइन में मौजूद रहे। बस्तर IG सुंदर राज पी ने बताया कि विजयदशमी के दिन हर वर्ष शस्त्रों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार बस्तर पुलिस बस्तर की जनता के हित में काम कर रही है, यह काम आगे भी जारी रहेगा। वहीं SP बस्तर जितेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि बस्तर में तैनात जवान हर मुश्किल परिस्थितियों में बेहतर काम कर रहे हैं, जिससे बस्तर को काफ़ी उपलब्धियाँ भी मिलती आई हैं। ऐसे ही विश्वास के साथ अगर विजयदशमी के अवसर पर सभी रक्षित केंद्र में सशस्त्र पूजा आयोजित की जाती है, उसी अनुरूप इस वर्ष में भी जगदलपुर रक्षित केंद्र में आज सशस्त्र पूजा का आयोजन की गई थे। हम माँ दंतेश्वरी माँ दुर्गा से ये संपूर्ण जो सुरक्षा बल के लिए बस्तर में तैनात सभी स्थानीय पुलिस बल DRG STF कोबरा एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल सबके लिए आने वाला समय में विजय रहे, उनके कार्य अच्छा रहे, जनहित में रहे, इस कामना के साथ हम पूजा अर्चना किया है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से अभी बस्तर में पुलिस जनता के हित में जो बेहतर काम कर रहे हैं, माँ दंतेश्वरी माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आने वाले समय में भी और बेहतरीन काम करेगा और जनसेवा में अपने आप को समर्पित करके आगे काम करेगा। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर पुलिस लाइन जगदलपुर में शस्त्र पूजा का आयोजन रखा गया। इसमें विजयदशमी के अवसर पर संपूर्ण पुलिस बल जिसमें सभी हमारे केंद्रीय सशस्त्र बल भी शामिल हैं, उन सब का कार्य आने वाले वर्ष में बहुत अच्छा रहे, क्षेत्र की जनता की खुशहाली और सुरक्षा हम बेहतर तरीके से कर पाएँ, यही माँ दुर्गा और माँ दंतेश्वरी से हमने कामना की है। और हम सभी क्षेत्र की जनता को विजयदशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहेंगे।